अगेन वेलकम टू माई चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं राकेश शुक्ला आपके साथ। स्टेट बोर्ड की तरफ से 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसमें फिजिक्स क्लास 12 कौन कौन से कंटेंट आपको नहीं पढ़ने हैं ये पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसा कि आपको कहीं से नहीं मिला होगा। चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पेज नंबर 39, 40, 41 आपको नहीं पढ़ना रहेगा। इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल चैप्टर नंबर 2 आपको पूरा पढ़ना रहेगा, कुछ भी नहीं इसमें से रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर 107, 108 एंड 109 जिसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग फॉर दैट रजिस्टर। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पेज नंबर 140, 141, 142 जिसमें साइक्लोट्रॉन आपका रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें अगर हम लोग तो इसमें आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर से इसको पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो चैप्टर ही तबाह कर दिया। पेज नंबर 176, 77, 78, 79 इंक्लूडिंग एक्साइज 5.4 इतना रिमूव कर दिया है जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट में पेज नंबर 252 जिसमें से पावर फैक्टर सिर्फ निकाला गया है और वाटलेस करंट। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 ईएम वेव्स में से पेज नंबर 278.2, 271, 272, 273 जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया है आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट ही था चैप्टर नंबर 8 में और सब प्रॉपर्टीज दी गई हैं सिर्फ। तो चैप्टर नंबर 8 भी एक तरीके से फिनिश समझिए आप। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें से पेज नंबर 310, 11 to 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स मिरर फॉर्मूला एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज ऑन पेज नंबर 335। तो ये इतना पूरा कंटेंट हटा दिया गया रे ऑप्टिक्स में से। और चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स है आपका 372 से 382 जिसमें रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पोलराइजेशन प्लेन पोलराइज्ड ब्रूस्टर्स लॉ यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स इतना हटा। वैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों में से ऑप्शन आता है आपको फाइनल एग्जाम में कि आप रे ऑप्टिक्स सेलेक्ट करेंगे या फिर वेव ऑप्टिक्स, तो वैसे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों में से कंटेंट को डिलीट किया गया है। बात करें चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पेज नंबर 403, 404 जिसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रिमूव किया गया है आपका। बात करते हैं 13 नंबर की तो उसमें पेज नंबर 446 से 451 जिसमें रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा डीके पार्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिविटी डीके हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हटा दिया गया है। काफी बेहतरीन टॉपिक था ये। पेज नंबर 442 to 445 में 13.4, 13.5 जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। बात करें अगर सेमीकंडक्टर की तो सेमीकंडक्टर में आपका जीनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये इतना पोर्शन आपका 12 साइंस फिजिक्स में से रिमूव किया गया है। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्लास 12 में जो पोर्शन हटाया गया है चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट एग्जांपल नंबर 1.17, 18, 20, 22, 26, 24 जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली एवरीथिंग इज रिटन। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या हटाया गया है सारी चीजें आप क्लियरली देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 फुल्ली डिलीट कर दिया गया है आपका, सो इट्स सो नाइस फॉर यू गाइस। एंड बात करते हैं अगर चैप्टर नंबर 11 12 में से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है और बात करें 15 एंड 16 तो ये 15 और 16 भी आपका पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा बट यू डोंट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स वट एवर आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। सेम भी अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 तो चैप्टर नंबर 1 में से एक्साइज 1.3, 1.4 मिसलेनियस का 1, 2, 3, 6, 7, 14 और चैप्टर नंबर 2 में एक्साइज 2.2 मिसलेनियस 3 to 17 इन मिसलेनियस एक तरीके से हर एक चैप्टर में हटाई दिया गया है। 3 में 3.4 4 का 4.2 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और मिसलेनियस में आपका 11 to 15 और इंक्लूडिंग सेकेंड। एंड 5 की बात करें तो 5.8 और मिसलेनियस 19 हटा दिया गया है। 6 में 6.1 4 मिसलेनियस में 3 एंड 19 तो मैक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा कंटेंट इन्होंने कट किया है बट
एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी कट किया है आपको एक तरीके से पढ़ना पूरा ही होगा, क्योंकि एग्जाम में वो जब पूछेंगे तो वो इससे कनेक्टेड टॉपिक भी पूछ सकते हैं जो कि नहीं हटाए गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा इसको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।